अगर आप YouTube में पूरा वीडियो देख चुके हैं फेस ग्लो और स्किन स्मूथ कैसे करते हैं फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको लिए न्यू ऐप लेके आया हूँ और साथ ही साथ न्यू एप्लीकेशन की हेल्प से फेस ग्लो एंड वाइल पेंटिंग फोटो एडिटिंग सीखने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी कमाल की बात है। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले आपको टूलविज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, साथ ही साथ आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ओके अब इसके बाद यहाँ से आपको फ़ोटो में देखना है कि फ़ोटो में क्या चीज़ कमी है। तो जैसा कि यहाँ से ये जो बैकग्राउंड का कलर है उसको डार्क कलर करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए आपको ये जो टोनिंग का ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन और दिखाई देगी, तो आपको SLR को सेलेक्ट कर लेना है। SLR सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब आपको इफेक्ट के बगल में सेटिंग है, उस सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। ओके अब यहाँ पे देख लीजिए बैकग्राउंड येलो कलर है, तो हम येलो कलर को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद ये जो सेचुरेशन है उसको कुछ इस तरह से -100 कर देते हैं। ओके अब यहाँ से आपको ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है, फिर इसका भी सेचुरेशन को -100 कर लेना है। देख लीजिए फेस मतलब ये जो हेयर में कलर आ जा रहा है ब्लू कलर, तो इसका कलर को हम ब्लैक कलर करेंगे, तो उसके लिए आपको ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका सेचुरेशन को कुछ इस तरह से कम कर लेना है। ओके अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो सियान कलर है इसका सेचुरेशन को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ताकि ये जो टी शर्ट का कलर है वो बढ़ जाए। तो यहाँ से सेचुरेशन को कुछ इस तरह से बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसका हुई को -50 पर रख लेते हैं। अब इसके बाद इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ से देख लीजिए फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब यहाँ से आपको क्या करना हो, टोनिंग पर फिर से क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से आपको नेचुरल सेचुरेशन के एक ऑप्शन है इस ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो इसमें क्लिक कर लेते हैं एंड इसका सेचुरेशन को कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है, उसके बाद इसे राइट कर लेना है। अब फोटो में ऑयल पेंट करेंगे ताकि फोटो और भी अच्छी लगे, तो उसके लिए आपको ये इफेक्ट पर क्लिक कर लेना है, ये रहा इफेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सॉफ्ट स्मूथ कर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ओके अब यहाँ से आप अपने हिसाब से कितना भी चाहो ऑयल पेंट करना उस हिसाब से रख सकते हो, तो जैसा कि हम 3 नंबर पर रख लेते हैं। ओके अब इसके बाद इसे राइट कर लेते हैं, ज़्यादा भी ऑयल पेंट करना कार्टून की तरह लगती है फोटो, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके अब यहाँ से क्या करते हैं, हम टोनिंग पर फिर से क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड कलर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको ये जो कर्व ऑप्शन है इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लास्ट में एक ब्लू कलर का और ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो ऑब्जेक्ट बना है कुछ इस तरह से इसको कुछ इस तरह से ऊपर की ओर ले जाना है, ठीक है। अब देख लीजिए बैकग्राउंड कलर भी हो गया है ब्लू कलर। ओके बट यहाँ से फेस में इफेक्ट आ जा रहा है, तो उसे रिमूव कैसे करें, तो रिमूव करने के लिए आपको ये जो मास्क का ऑप्शन मिल जाएगा उस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ओके गाइस अब यहाँ से कुछ इस तरह से रेस पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हो। अब इसे राइट कर लेते हैं, राइट करने के बाद आप फेस को ग्लो करेंगे ताकि फोटो पूरी तरह से रेडी हो जाए, तो उसके लिए यहाँ से आपको स्पेशल पोर्ट्रेट के टूल्स बना है उस टूल पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको फेस ट्यून को सेलेक्ट कर लेना है, ये रहा फेस ट्यून, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आता तो कमेंट जरूर कीजिए कि भाई आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी वीडियो में मिस्टेक लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिए यार, मतलब कमेंट तो करना ही पड़ेगा बट लाइक भी कीजिए। ओके अब यहाँ से कुछ इस तरह से फेस में ड्रॉ कर देना है, अब इसके बाद इसे राइट कर लेते हैं, तो देख लीजिए फोटो काफ़ी कमाल की बन चुकी है। अब इसे सेव करने के लिए आप यहाँ पे सेव वाले बटन पर सेव कर सकते हो। ओके आइए, अब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।